हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवीएम सीनियर सेकेंडरी संगुल होड़ल। आज हम आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएट पढ़ाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव आपने 11वीं क्लास में 13 चैप्टर पढ़ा था, लिमिट एंड डेरिवेटिव। उससे आगे याद रखा है तो आपने कुछ फॉर्मूला भी याद करके होंगे, तो उससे आगे आज पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएट क्या होता है, देखिए, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, y equal to fx कोई भी फंक्शन है हमारा x का, then the derivative of fx is denoted by f dash x, जिसका derivative होता है उसे f dash x से denote करते हैं, and defined as f dash x equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h, इस तरह defined होता है, provided that the limit exists, means जो limit है इसकी इसे यूज करने पर ये एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए हमारी। जब ये प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट, यदि लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है जब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू f इज आल्सो डिनोटेड बाय dy / dx और y1 और y dash, जिसका डिफरेंशिएट है उसे हम dy / dx से डिनोट कर सकते हैं, y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, y dash से भी डिनोट कर सकते हैं। द dy / dx इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy / dx है ये क्या है कि डेरिवेटिव इसका y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो y का डेरिवेटिव होता है इस रिस्पेक्ट dy / dx, इसी तरह से हम किसी और का डेरिवेटिव जैसे du / dx करते हैं तो u का डेरिवेटिव होगा तो इसी तरह से हमारा dy / dx y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। इन dy / dx y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, y का इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो y का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम तो y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, x के रिस्पेक्ट किया रहा है x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कुछ इसमें फॉर्मूला है, देखिए किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो जीरो आता है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, कोई क्वांटिटी है, संख्या है या एबीसी जो हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं उन सभी का डेरिवेटिव जीरो होता है। यदि वो किसी भी वेरिएबल से अलग है जैसे डी ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट को हम सी से डिनोट करते हैं, सी का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो कहीं भी कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाता है इसके साथ तो उसका जीरो हो जाता है। डी ओवर डी एक्स एक्स यदि किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएट करते हैं उसी की रेस्पेक्ट तो वो वन आता है। डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, या एक्स हमारा वेरिएबल है, एन कॉन्स्टेंट है, लेकिन एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करते हैं एन जो पावर है आगे आ जाती है एक्स की पावर एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाती है। आगे यदि डी ओवर डी एक्स सी कॉन्स्टेंट इनटू में है किसी भी फंक्शन के, डी ओवर डी एक्स सी इनटू एफ एक्स, तो इसमें जो कॉन्स्टेंट होता है वो ऐसे चल रहता है, जो फंक्शन है हमारा उसका डेरिवेटिव हो जाता है तो एफ डैश एक्स। अगर डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी पावर एन यदि लीनियर की पावर आ जाती है तो इसका डेरिवेटिव करते समय जो पावर है आगे आ जाएगी, एक्स जो भी कॉन्स्टेंट होगा हमारा वो इनटू आ जाएगा इसमें ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाती है। आगे डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, तो ए कॉन्स्टेंट है एक्स वेरिएबल है, यहाँ पहले बताया था वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट आ जाती है तो इसका ये होता है यदि कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाती है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स जहाँ होता है ए की पावर एक्स का डिफरेंस ए की पावर एक्स भी होता है, डी ओवर डी एक्स यदि लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं हम लॉग एक्स का डिफरेंशिएट वन अपॉन एक्स आ जाता है। आगे देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव करते हैं किस तरह से आता है, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस की साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स
कॉट एक्स, कॉट का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स sec x, sec x डेरिवेटिव होता है sec x tan x, d ओवर डी एक्स कोसाइन एक्स, कोसाइन एक्स होता है माइनस कोसाइन एक्स cot x। इस तरह ये सॉल्व हो जाते हैं आपके। आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे दो या दो से अधिक फंक्शन दे रखे हैं, प्लस में है या माइनस में है डिफरेंस, एडिशन में है, तो उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। डी ओवर डी एक्स यू प्लस बी, इस सम के रूप में दे रखे हैं तो अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएट हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स यू प्लस बी अपॉन डी एक्स वी, दोनों का अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह से यदि डिफरेंस में है माइनस में है, डी ओवर डी एक्स यू माइनस बी, तो डी यू अपॉन में डी एक्स माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। इसी तरह से यदि इनटू में प्रोडक्ट में कोई भी फॉर्मूला लगता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो यू इनटू वी में, इसका डिफरेंशिएट होता है फर्स्ट फंक्शन एडिटिव मीन्स यू एडिटिव, सेकेंड का डेरिवेटिव डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस वी सेकेंड फंक्शन एडिटिव फर्स्ट का डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स। आगे ये डिवाइड में आ जाता है फॉर्मूला, तो यू अपॉन वी किसका होता है, नीचे वाला फंक्शन है जो वी एडिटिव, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स माइनस यू ऊपर वाला फंक्शन है जिसे नीचे वाले का डिफरेंशिएट डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन में वी शुक्रिया। इस तरह फॉर्मूला हो जाते हैं आपके। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे देखिए डी ओवर डी एक्स एक्स की अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम तो कितना आ जाता है, इसको पावर आगे आ जाती है और एक्स की पावर ये कम हो जाती है एक बचेगी, इसलिए कितना हो जाएगा ये टू एक्स हो जाएगा, इसका एक्स की अगर है। इसी तरह से एक्स की पावर फोर का लेते हैं हम तो फोर पावर आगे आ जाएगी, इसकी एक पावर कम हो जाएगी तो थ्री, फोर एक्स की पावर थ्री आ जाएगा। इससे आगे कोई भी पावर ले सकते हो आप, एक्स की पावर जैसे फिफ्टी ले लिया आपने तो क्या होगा, जो फिफ्टी पावर है वो आगे आ जाएगी और एक्स की पावर एक कम मीन्स फोर्टी नाइन ये हो जाएगा। यदि आपका कॉन्स्टेंट इनटू में दे रखा है जैसे फायर एक्स की पावर ट्वेंटी ये है, तो जो कॉन्स्टेंट होता है वो पहले का होता है और जो एक्स की पावर ट्वेंटी है इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट करते समय जो पावर है आगे आएगी, इसकी पावर एक कम हो जाएगी नाइनटीन, मल्टीप्लाई करेंगे किस वजह सौ एक्स की पावर नाइनटीन। अब देखिए जैसे फ्रैक्शन में है पावर हमारी डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर रूट, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो जो डिफरेंशिएट होता है किसका स्क्वायर रूट का, उसके लिए सबसे पहले हमें पावर बनानी होती है, रूट की पावर होती है हमारी वन बाई टू। अब देखो वन बाई टू पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन एक पावर कम हो जाएगी, इसलिए वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। देखो यदि नेगेटिव पावर होती है तो नीचे लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, एक्स की पावर वन बाई टू इसलिए वन बाई टू वन बाई टू पावर है, इसलिए एक्स को रूट में लिख देंगे डी ओवर डी एक्स रूट एक्स वन बाई टू रूट में एक्स, इसलिए ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएट, जहां भी रूट एक्स आता है उसे हम एडिटिव से लगा सकते हैं। थैंक यू।